अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वैसे तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उन्हें चुनौती दे रहे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन दोनों ने अपनी अपनी जीत की भविष्यवाणी कर दी है, लेकिन नतीजों से पहले ट्रंप का गुस्सा भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोगों से धोखे की कोशिश की जा रही है, जिसे वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। उधर जो बाइडेन अपने समर्थकों से धैर्य बनाए रखने को कह रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना चाहते हैं? अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो फायदा किसको होगा? इन्हीं सब बातों पर है ये वीडियो। माना जा रहा है कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो सकता है और नतीजों की घोषणा में और भी समय लग सकता है। इसका उदाहरण है साल 2000 का अमेरिकी चुनाव, क्योंकि ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई खिंच गई थी। तब रिपब्लिकन प्रत्याशी जॉर्ज बुश और डेमोक्रेट उम्मीदवार अल गोर के बीच फासला इतना कम था कि फ्लोरिडा के वोटों के दोबारा मतगणना को लेकर विवाद छिड़ गया और सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। बुश 500 से भी कम वोटों से आगे थे और अल गोर ने वोटों की हाथों से गिनती की मांग कर दी। फ्लोरिडा में ही दर्जनों मुकदमे दाखिल हुए, सुप्रीम कोर्ट को दो बार दखल देना पड़ा। पूरे प्रांत में हाथों से वोटों की गिनती को लेकर विवाद दिसंबर तक नए राष्ट्रपति घोषित की समय सीमा नजदीक आ गई। इस समय सीमा खत्म होने के कुछ घंटों पहले सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 बुश को विजेता घोषित कर दिया। आशंका ये जताया जा रहा है कि तब जो फ्लोरिडा में हुआ वो साल 2020 में पेंसिल्वेनिया में न हो जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता पर फिर से काबिज होने के लिए पेंसिल्वेनिया की जंग जीतनी होगी। उन्होंने 2016 में ऐसा ही किया था। अगर वो वहां से जीतते हैं तो उन्हें 270 वोट हासिल करने के लिए 3 और राज्यों में जीत हासिल करनी होगी। यदि वो पेंसिल्वेनिया में नहीं जीतते हैं तो उन्हें बाकी बचे 5 राज्यों में क्लीन स्वीप करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप का एक पक्ष मजबूत देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने अपने कार्यकाल में 4 जजों की नियुक्ति किया है, जिसमें एक एमी वैरेट को छोड़कर बाकी 3 जज इस सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। उधर डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जो बाइडेन की लीगल टीम का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उनकी टीम तैयार है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिकी चुनाव के नतीजे इतनी आसानी से नहीं आएंगे और लड़ाई लंबी खिंच सकती है। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। इस खबर के लिखे जाने तक एपी वोटकास्ट के मुताबिक बाइडेन के खाते में 238 इलेक्टोरल वोट और ट्रंप के खाते में 213 वोट बरकरार हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देशों दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।